परम माननीय सभापति महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय अधिकारीगण एवं मेरे प्यारे साथी कर्मचारियों, मैं सौरभ सुमन सभी को नमस्कार करता हूँ। आज हिंदी दिवस समारोह के शुभ अवसर पर मुझे एक मिट्टी की मटकी मेरे स्पर्श से और पवित्र हो गई पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने का मौका मिला। धर्म और जातिवाद को हर दीवार की तोड़ दो, धर्म और जातिवाद की हर दीवार को तोड़ दो, नफरत की लहरों को मोहब्बत की ओर मोड़ दो। जो करते हैं कोशिश समाज की तोड़ने की, तुम सभी मिलकर उसको समाज से अकेला छोड़ दो। मैं एक सच्ची घटना पर आधारित राजस्थान के जालौर जिले के एक 9 वर्षीय दलित छात्र इंद्र मेघवाल की एक शिक्षक द्वारा पिटाई से हुई मौत के कारण उस बच्चे की मन की व्यथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक मिट्टी की मटकी मेरे छूने से अपवित्र हो गई, एक मिट्टी की मटकी मेरे छूने से अपवित्र हो गई, उसका पानी पीने के जुर्म में मेरा देह भी मिट्टी की हो गई। मेरी मिट्टी भी उस मिट्टी में मिल जाएगी जिससे फिर कोई नई मटकी बनाई जाएगी। अगर है तुम ऊंची जाति के तो कसम है तुम्हें, कभी मटके की मट्टी से पानी मत पीना, कभी मटके की पानी से पानी मत पीना, क्योंकि मैं और मेरे जैसे कितने अछूत तुम्हारे अत्याचारों के कारण इस मिट्टी में मिले पड़े हैं, इस मिट्टी में मिले पड़े हैं। जिस मिट्टी में मेरी देह मिली, जिस मिट्टी में मेरी देह मिली, उस जमीन पर पैर रखे बगैर जीना, वरना तुम्हारा पैर अपवित्र हो जाएगा, वरना तुम्हारा पैर अपवित्र हो जाएगा। तुम इस हवा में सांसें भी मत लेना, तुम इस हवा में सांसें भी मत लेना, वरना तुम्हारा फेफड़ा अपवित्र हो जाएगा, वरना तुम्हारा फेफड़ा अपवित्र हो जाएगा। इस हवा मेरी चिता की लपटों से निकल कर आई है, यह हवा मेरी चिता की लपटों से निकल कर आई है। अगर इस हवा में सांस लोगे तो तुम्हारा फेफड़ा अपवित्र हो जाएगा, तुम्हारा फेफड़ा अपवित्र हो जाएगा। और इस पानी को भी मत पीना, और इस पानी को भी मत पीना, क्योंकि मेरी चिता से निकली भाप इस पानी में मिल जाएगी, क्योंकि मेरी चिता से निकली भाप इस पानी में मिल जाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सको, अगर तुम ऐसा नहीं कर सको तो तुम प्रकृति के निर्माता के विरुद्ध था। अगर मैं अशुद्ध हूं तो तुम भी अशुद्ध हो, अगर मैं अशुद्ध हूं तो तुम भी अशुद्ध हो। कैसे मेरी मुस्कुराती सूरत, जरा दिल से सुनिएगा, कैसे मेरी मुस्कुराती सूरत एक चित्र हो गई, कैसे मेरी मुस्कुराती सूरत एक चित्र हो गई, एक मिट्टी की मटकी मेरे छूने से अपवित्र हो गई, एक मिट्टी की मटकी मेरे छूने से अपवित्र हो गई। उन लोगों को फिर से शिक्षित होना चाहिए जो शिक्षित होने के बाद भी जाति के नाम पे भेदभाव करते हैं। जाति बात पर एक छोटी सी साइड, हमें को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमें को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमें कुएं खोदते फिरेंगे, हमें पे पानी हराम होगा। अगर यही जहानियत रही इस सदी में तो मुझे डर है कि ना कोई भीमराव अम्बेडकर होंगे, ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना कोई भीमराव अम्बेडकर होंगे, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। जय हिंद, जय भारत।